नपोस, सच को न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी डुबा सकता है। अगर तू सच्ची है तो तुझे कुछ नहीं होगा। यही तेरी परीक्षा है सच होने की। ये कौन सा तरीका हुआ सच जानने का? आप खुद ही सोचकर देखिए, क्या इस तरह से कभी भी सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है? इस तरह के ढेरों किस्से कहानियां हम सब ने सुने हैं, और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आप किसी को पानी में डुबोएंगे तो वो डूबेगा ही, आग में जलाएंगे तो जलेगा ही। ये सत्य की परीक्षा नहीं है, सरेआम हत्या है। लेकिन अफसोस, ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी बार बार हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये अंधविश्वास किस हद तक ले जा सकता है उन्हें? बस 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 बस। बस मैं यहां से चली जाऊंगी। अरे लेकिन कुछ नहीं, अगर आई ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे वैसे भी हमारी शादी होने वाली है ना? शादी होने वाली है, शादी हुई तो नहीं है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? आजपासून तुम आज यस बन गए हम पति पत्नी। तुम बकवास कर रहे हो? जाने दो मुझे। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी की भी होने नहीं दूंगा। और जाके बोल देना उस प्रतिश को कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी हो गई हो। बेटा तुम्हारी हंसी बता रही है आज तुम्हारी खुशी का राज, और वो राज ये है कि हमारे लाख मना करने के बाद ही तुम दीपा को मिला है। ना यो बाबा, मैं किसी को नहीं मिला, वो तो बस ऐसे ही। अरे बेटा हम भी तुम्हारे बाबा हैं, सब समझते हैं। बेटा कभी टाइम था, अरे हम भी जवान थे, क्या दिन थे। गायरे तू सच में मिलने गया था? बेटा शादी से पहले मिलना जुलना अब शगुन समझा जाता है, नहीं समझता तू? ठीक है। दीपा काय झालं? कुछ नहीं आई, कुछ नहीं। Oh,
आज पासून तू माझी आहेस, बन गए हम पति पत्नी। हेलो, क्या बात है, इतनी जल्दी फोन उठा लिया? लगता है तू तो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। दीपा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रतीश, आज तुम्हारे जाने के बाद गगन ने जबरदस्ती पकड़ के मेरी मांग अपनी खून से भर दी। क्या? और उसने कहा कि वो मुझे किसी और की नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। पता कि इतनी हिम्मत, तो तुमको अपना तुमको मैं अपने छोड़ूंगा। इतनी रात को कौन आया, 1 बजने आया और इतनी काय कटकटे मेरी एवढ्या उशिरा, कोण आहे? आई मी प्रतीश। कोण? प्रतीश। प्रतीश बेटा, 1 मिनिट 1 मिनिट, खोलती हूँ। तुम इतनी रात क्या काम किया है तुम्हारा? हाँ, अरे क्या क्या नहीं नहीं प्रतीश, तुम कुछ मत करना, मैं घर में माजा खड़ा हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? आई आई, देखो मुझसे दूर जाओ, मेरी बात बताना। आई आई, दीपक कौन है वहां पे? दीपा, दीपा, आई 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 कर ला, आई दीपा, अपने अलावा यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ तुम और मैं हूं। मैंने ना इस दरवाजे को बाहर से बंद करवा दिया था। और हाँ, तुम्हारी चीख सुनने वाला यहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मुझे जाने दो प्लीज, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? मत करो मेरे साथ ऐसा। जाओ ना। इतनी भी जल्दी क्या है मेरी जान? हाँ, जिस काम के लिए तुम्हें यहां लाया गया है वो तो पहले कर लो। हाँ? जाने दो मुझे। अब ना मत करो। साहब, वो गगन ही था, मैंने अच्छे से देखा है उसको, मेरी बेटी को उठा के ले गया हूँ। इसका मतलब आप और आपकी बेटी उसे अच्छी तरह से जानते थे? वो सर, वो गांव में ही रहता है सर, दिन भर गुंडागर्दी करते हुए घूमता रहता है,
और साहब जब से उसके माँ बाप मर गए ना वो और भी हलकट बन गए हैं। आई जानो आई आई क्या कर रही है ऐसे बाहर क्यों लेकर आई? मुझे लगता है कि वो लड़की तुझे बेवकूफ बना रही है। उसे तेरी जरूरत नहीं है, उसे गगन जैसा लड़का चाहिए। काय बोलते, आजकल की सभी लड़कियां ऐसी होती। अरे सरिता तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। साफ बात ये है, अगर उसकी शादी हमारे प्रतीश के साथ होती तो उस पर हम दोनों की जिम्मेदारी पड़ती ना, पड़ती ना। हाँ। लेकिन गगन के साथ ऐसा नहीं है, ना उसके बाबा है ना उसकी आई है। ससुराल में राज करेगी वो, राज। मैं एकदम सही कह रही हूँ, वो लड़की खुद भागी है उस लड़के के साथ। भाई तू गलत सोच रही है, काय बोलते, दीपा ऐसी लड़की नहीं है बाबा। प्रतीश बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर दीपा ये रिश्ता नहीं चाहती तो खुद मना कर देती ना। अरे तुम भी बस कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। आ बेटा चल। आई दीपा, दीपा बेटा कैसे हो? आई मैं ठीक हूँ। दीपा दीपा कहाँ हो तुम? आई गगन मुझे अपने गांव से बाई तरफ जाने वाले रास्ते पे 6 किलोमीटर दूर एक पुराना फार्म हाउस है, वहीं पर लेकर आया है। दीपा देख बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ तुझे लेने। हाँ आई बस दीपा तू दीपा तू टॉक टाइम खत्म। चलो अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आते होंगे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब, क्यों रखा है यहाँ पर? अब तुमने अपने आई को सब कुछ बता दिया ना कि तुम ठीक हो? हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारी इस बात पर यकीन कौन करेगा? नहीं कि रात भर तुम मेरे साथ होने के बावजूद भी तुम ठीक हो। देखो कल रात तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। इसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं बेटा नहीं, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। बगा घबरू ना का, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसने जो कुछ भी किया है आपके साथ हमें खोल के साफ साफ बताइए, इसे सजा हम दिलाएंगे। बोलिए। मैं सच कह रही हूँ, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। साले लड़की को किडनैप करता है, लेके चलो इसको घर। नहीं बाबा नहीं, तुम लोग भले ही मान लो कि उसने दीपा के साथ कुछ नहीं किया लेकिन मैं नहीं मान सकती। अरे जब दीपा कह रही है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। और देखो आई, अगर कुछ हुआ भी है ना तो उसमें दीपा की कोई गलती नहीं है। प्रतीश गांव भर में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दीपा की कितनी बदनामी हुई है और तुम एक दाग लगी बीवी घर में ला सकते हो लेकिन मैं एक दाग लगी बहू इस घर में कभी नहीं ला सकती, समझ ला। अच्छा ऐसा है का? सर आप भी एक बात सुन लो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ दीपा से और किसी से नहीं। आता तुम्हारा समझ ला। क्या एक औरत की इज्जत इतनी हल्की होती है कि किसी के साथ रहने भर से चली जाए? और अगर हां तो फिर उसे छोटा और हल्का बनाया किसने है? आप खुद ही देख लीजिए।
अगर एक लड़की मजबूरी में फंसकर किसी लड़के के साथ रात भर रह ली तो यहां उस लड़की को ही चरित्रहीन ठहराया जा रहा है। जो कुछ हुआ उसमें दीपा का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी दोषी उसी को ठहराया जा रहा था। यह घटना साबित करती है कि हम औरतों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ कितने भी कानून क्यों ना बना ले, अपराधियों को कोई भी और कितनी भी सजा क्यों ना दे ले, यह सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलती। जब तक सोच गलत रहेगी तब तक हमारे घर की औरतों पर, आपके घर की औरतों पर उंगली उठती रहेगी। यहां हमें प्रतीश जैसे लोगों की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है कि क्या प्रतीश सही होते हुए भी इस लड़ाई को अकेले लड़ पाएगा, और लड़ भी पाएगा तो कहां तक। प्रतीश, सुना है दीपा से शादी तोड़ नहीं रहे हो? मेरी झूठन खाए बगैर मानोगे नहीं? ककन दो कौड़ी के, अरे छोड़ बेटा, अरे छोड़ बेटा, नहीं बस तुमने गगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? दो दिन में जमानत पे छूट के बाहर आ गया वो। जब उसने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं तो किस बात की एफआईआर दर्ज कराऊं? देखो दीपा, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने कुछ गलत किया है तो सच कह दो। देखो मैं वादा करता हूं कि उस सच की वजह से हमारे रिश्ते पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन गगन ने जो अपराध किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क्या हुआ प्रतीश, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? सॉरी यार, मैंने जो कल तुमसे बातें की मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, मुझे लगा कि। पर अब तो तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? हाँ दीपा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आई को कैसे समझाऊं कि तुम मुझे आई के पास अभी ले चलो ना। अभी? हाँ। नहीं अभी नहीं, अभी आई बहुत ज्यादा गुस्से में। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ अगर मैं अभी आई से मिली ना तो मुझे विश्वास है कि वो मुझ पर यकीन जरूर करेंगे। तो मुझे एक बार आई के पास लेके तो चलो प्लीज। तुम्हारे कह देने से मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर लूंगी। अगर तुम सच्ची हो तो साबित करो। तो फिर आप ही बताइए आई, कैसे साबित करना होगा? महामाया की परीक्षा देकर। तैयार हो परीक्षा देने के लिए? तुम ये क्या बकर रही हो, पागल हो क्या? जानती हो तुम क्या कर रही हो? और आई, क्या है ये सब, किस बात की परीक्षा? नहीं प्रतीक, अगर आई की शंका इसी से दूर होगी तो मैं परीक्षा दूं। तिलक लग गया और तूने जल लेकर कसम खाई तो तू बीच से भाग नहीं सकती, समझी? मैं तैयार हूं। तो ठीक है, ये ले चल।
गौर से देखो इस जगह को, गगन तुम्हें यहीं पे लाया था। यहां से 6 किलोमीटर दूर अपने घर तक तुम्हें जाना है। जी, तब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। सूरज डूबने को 4 घंटे बाकी है। उससे पहले तुम्हें अपने घर तक जाना है, लेकिन चल के नहीं, लुढ़कते हुए जाना है। क्या दीपा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आई क्या है ये परीक्षा है प्रतीश, तू कब आवास? मैं तैयार हूं। लेकिन दीपा, बस हुआ, अब ये सब नहीं, चलो चलते। नहीं प्रतीश, मुझे मुझे परीक्षा पूरी करनी होगी, जरूर पूरी करूंगी। मेरी बच्ची, पहली परीक्षा तो पास हो गई बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। चलो धीरे धीरे बेटा पकड़ लो ना, चलो। हाँ बेटी, तुम्हें भगवान का भोग बनाना है, लेकिन याद रहे भगवान के भोग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तेरी परीक्षा है। जी, पर भोग में बनाना क्या होगा? हलवा पूरी बनानी है, तुझे 11 पूरियां तलनी है। महामाया सा, उदो उदो। नहीं बेटी, इससे नहीं, पूरी सिर्फ हाथ से निकालनी है। क्या? अरे इस खोलते हुए तेल में हाथ डालेगी तो उसके हाथ जल जाएंगे, आप लोग पागल हो गए हो क्या? नहीं प्रतीश, अगर मैं सच्ची हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं दीपा। बेटा
मन और कर्म पवित्र और सच्चा हो तो खौलता हुआ तेल भी कुछ असर नहीं करता। देख, अब तुम निकालो। दीपा, अरे आई आई पर बेटा परीक्षाएं ऐसे ही होती हैं, तू नहीं देख पाएगा इसलिए तू यही रुक। अरे पर आई वाह बेटी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, ये परीक्षा भी पूरी कर ली। जाओ बेटी जाओ। प्रतीश, 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 मैं इस परीक्षा में भी सफल हो गई। तुम्हारे हाथ? कोई बात नहीं, अब बस दो परीक्षा बाकी है, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा प्रतीश। इस लड़की ने तो दोनों परीक्षाएं पास कर ली लेकिन तीसरी परीक्षा में ये पास नहीं होनी चाहिए। तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए, समझे तुम? मामा जा, उदो उदो। देख बेटी, इन तीन कटोरियों में से एक कटोरी में जहर है, तीनों में जहर मिला दिया है। तुम्हें इन तीनों में से एक को चुनना है और खीर खानी है। नहीं दीपा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं प्रतीश, मैं ये खीर जरूर खाऊंगी, मैं सच्ची हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बात का विश्वास करो। दीपा, मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ये खीर जरूर खाऊंगी। दीपा, क्या हुआ? दीपा, तुम ठीक तो हो? प्रतीश, मैंने कहा था ना कि मैं सच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आई, आई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने खीर पी ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रतीश, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वाह बेटी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने ये भी परीक्षा पूरी कर ली। तमाशा है ये? कैसा जहर मिलाया था? मरे क्यों नहीं वो अभी तक? कुछ समझने की कोशिश करो। अगर वो लड़की अभी मर जाती तो पुलिस तुम्हें और मुझे पकड़ के ले जाती, तो फिर कब मरेगी वो? मरेगी, जरूर मरेगी। उसने जो खीर खाई है ना, उससे उसे कल तक भयंकर कमजोरी आ जाएगी और कल आखिरी परीक्षा में उसकी आखिरी सांस छिन जाएगी।
यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे घर मत आना। अरे गुस्सा तो मुझे क्यों होना चाहिए? अरे परीक्षा वरीक्षा का क्या नाटक है तुम्हारा? देखो तुम्हारे भरोसे उस रात मैंने दीपक को हाथ तक नहीं लगाया, और तुमने कहा था रात भर दीपक को अपने पास रखोगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगी और उसके बाद दीपा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। हाँ कहा था, मेरे बेटे ने जिद पकड़ रखी थी, इसीलिए ये परीक्षा वरीक्षा का नाटक करना पड़ा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो लड़की इस बार की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, फिर वो लड़की और सारा पैसा तुम्हारा, समझे? बस बेटी, सिर्फ अब ये आखिरी और बड़ी आसान परीक्षा पास कर ले, फिर तुम सच्ची साबित हो जाओगी। क्या करना होगा मुझे? इस कुएं से 11 मटके पानी के लेकर उस पेड़ पे डालना है। दीपा, उठो, दीपा।
दीपा हाय देखो ना दीपा इसने अपनी आखिरी परीक्षा में आखिरी सांस छोड़ दी दीपा 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 हत्या रही है तू तेरी वजह से मेरी दीपा मरी बेटा क्रोध शांत करो मैंने कुछ नहीं किया उस लड़के गगन ने उसके साथ गलत किया था ये लड़की झूठ बोल रही थी इसलिए आखिरी परीक्षा में सफल नहीं हो पाई मेरी दीपा मरी तू यूज़ उठा ले गया था ना मैंने कुछ नहीं किया साले कर तू ऐसा नहीं करता तो आज मेरी दीपा जिंदा होती पता कमीने क्या किया था तूने उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया झूठ मत बोल बता मुझे बचा कमीने सच सच बता क्या हुआ था अगर ये रस्सी मैंने छोड़ दी ना तो वहीं रह जाएगा और घुट घुट के मर जाएगा ऐसे मत कर प्रीतेश मैंने कुछ नहीं किया प्रीतेश बता क्या हुआ था मैं बता दूं क्या बात है बेटा भाई ये वही गगन है जो दीपा को उठा कर ले गया था और आज ये कह रहा है कि दीपा को किडनैप करके तो पूरी रात अपने पास रखने के लिए आपने उसे पैसे दिए थे मैंने नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है क्या बोल रहा है अभी आप ही आप भी इसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं कोई बात नहीं आई अभी सच और झूठ का फैसला हो जाए आपको अपनी परीक्षा पे बहुत विश्वास है ना एक काम कीजिए आज आप अपने सच होने की परीक्षा दीजिए क्या भाई ये लीजिए ये जहर है आप ये जहर पी जाइए अगर आप जिंदा रहिए तो आप सच्ची हैं दीपा की आपने ऐसी कोई परीक्षा ली थी ना घबराइए मत अब सच्ची है ना कुछ नहीं होगा लीजिए दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा तुम्हें अपनी आई की बात पे भरोसा है या नहीं है बात मुझे अपनी आई पे पूरा विश्वास और आप ये जहर नहीं पीना चाहती ना कोई बात नहीं ये जहर मैं पी जाता हूं वैसे भी आप सच्ची है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है ना प्रतीश पागल हो गया तुम प्रतीश मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं वैसे भी कुछ नहीं होगा अब सच्ची है ना मैं सच्ची नहीं हूँ नहीं हूँ मैं सच्ची सब कुछ प्रतीश मेरे बच्चे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी नहीं प्रतीश चल गया पता सच झूठ का आ गया सच सामने और जो सामने आया अब उसके बाद ये मां जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी एक मां का बेटा मारा गया उसके अपने ही हाथों एक मासूम की जान चली गई
किस सच के पीछे पागल थे ये लोग? और लड़की बेचारी भी क्या करती, उसे इस समाज ने इतना कमजोर कर दिया था कि उसके पास बदनामी से बचने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। कौन सी बदनामी? वही बदनामी जो हमारी और आपकी सोच से शुरू होती है। प्रतीश की मां और वो तांत्रिक तो दोषी है ही। ये सच है कि प्रतीश और दीपा प्रतीश की मां की साजिश और समाज की गलत सोच के शिकार हुए, लेकिन मेरा यह मानना है कि प्रतीश और दीपा को भी शुरुआत में ही इस अंधविश्वास के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। इसीलिए मैं बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं कि महिलाओं के सम्मान के प्रति अपनी सोच बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, वरना ऐसे अपराध होते रहेंगे और निर्दोष यूं ही मारे जाते रहेंगे। समाज की गलत सोच से रहे सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।